सब्सक्राइब कीजिए टैग्स ए यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल के आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फराज और आप देख रहे हैं टैग्स ए यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को जो है एक ऐसी क्लाउड माइनिंग की वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जो कि ऑटोमेटिक जो है आप लोगों की अर्निंग जो है जनरेट करेगी। आप लोगों ने जस्ट एक दफ़ा उस पर जो है अकाउंट बनाना है, साइनअप करना है उसको और छोड़ देना है, खुद ब खुद आपकी अर्निंग जो है अपनी जनरेट होती रहेगी उस वेबसाइट में। आप लोगों ने कुछ भी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वीडियो को जो है एंड तक देखना है, आप लोगों ने कहीं से भी स्किप नहीं करना ताकि हर स्टेप्स की आप लोगों को समझ आ सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, और आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टैग्स ए सब्सक्राइब नहीं करा उसको तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोगों ने वहाँ से इस वेबसाइट को जो है ओपन करना है। तो जब आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग इनके पढ़ सकते हैं कि इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी हुई है अपनी, कि यहाँ पे जो है 30 GHz जो है आप लोगों को साइनअप करने पे मिलती हैं, और ऑटोमेटेड सर्विस है, मतलब के ऑटोमेटेड जो है रिप्लेसमेंट होती है। अभी मैं आप लोगों करके दिखाऊंगा इसका क्या मतलब है। और यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट, मतलब कि कोई आप लोग कोई इशू अगर आता है, कोई मसला आता है, तो इनसे जो है आप लोग ईमेल करके या कॉन्टैक्ट करके जो है इनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप इनकी वर्किंग डेज दे सकते हैं, और बाकी काफ़ी सारी जो है यहाँ पर इन्होंने वो दी हुई है अपनी इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पर। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपनी ईमेल देनी है, तो उसके नीचे आप लोगों ने जो है रिपीट ईमेल देनी है, मतलब कि जो आप लोगों ने ईमेल यहाँ पे दिया वही ईमेल यहाँ पे देनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे यूज़र नेम देना है, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड। उसके बाद साइनअप कर देना है। जस्ट आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने साइनअप करना है। इस पर बिल्कुल आसान सा तरीकेकार है अकाउंट क्रिएट करने का। तो मैंने जो इस पर ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो है इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो है अपने इस ऑक्सीमाइन वेबसाइट के अकाउंट में जो है लॉगिन कर लिया है। मैं जो है इस वेबसाइट पे ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो है थोड़े बहुत यहाँ पे BTC माइन करे हैं, उसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे डॉलर्स भी माइन करे थे, जिनका जो है मैंने विड्रॉल अभी नहीं लिया। तो डॉलर्स मैंने माइन करे, उनको मैंने इन्वेस्ट करा है GHz में। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पे आप लोग काफ़ी सारी करेंसी जो है अर्न कर सकते हैं, मतलब कि BTC बिटकॉइन अर्न करना चाहते हैं, लाइट कॉइन है, डोजी कॉइन है, और डॉलर में भी अर्निंग कर सकते हैं, BLK BTC में, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे जो है यहाँ पे आप लोग को करेंसी जो है देखने को मिल जाती है। इथेरियम भी आप लोग यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अभी जो है मेरे पास हाल फिलहाल जो है ये BITB में अर्न कर रहा हूँ। ये कोई करेंसी होगी इनकी, तो उसको जो है मैं अर्न कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी स्पीड जो है ज़्यादा तेज़ है। और इस करेंसी को मैं इसलिए अर्न कर रहा हूँ ताकि मैं जो है अपनी GHz पावर जो है बढ़ा सकूँ। जब आप लोग फर्स्ट टाइम इस पर साइनअप होंगे तो आप लोग 30 मतलब कि 30 मिलेंगे यहाँ पे मेरे पास 31, तो मैंने जो है 1 GHz जो है अभी अर्न करा है। तो अगर आप लोग मिसाल के तौर पर अगर आप लोग यहाँ पे जो है BTC अर्न करना चाहते हैं बिटकॉइन को, तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे लिखा नज़र आ रहा होगा माइनिंग, ये माइनिंग का बटन, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना। तो जैसे ही माइनिंग के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है BTC अर्न होना शुरू हो जाएगी। खुद यहाँ पे पेज रिफ्रेश होगा और यहाँ पे जो है BTC अर्न होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकी इनकम पर हार, मतलब कि 1 घंटे में जो है आप लोग इतने जो है BTC यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, 0.00005 BTC। उसके अलावा इनकम पर डे यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 1 दिन में जो है आप इतने BTC अर्न कर सकते हैं, 0.00001356 BTC यहाँ पे आप लोग अर्न कर सकते हैं। तो मैंने जो है अभी जस्ट इसको मैंने एक दिन ही काम पे एक दिन मैंने जो है BTC माइन करे थे, उसके बाद से जो है मैंने फिर अपनी दूसरी करेंसी जो है माइन करना शुरू कर दी। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे जो है BTC के अलावा डॉलर माइन करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे माइनिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपकी डॉलर की माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉलर मेरे पास यहाँ पे माइन होना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर इसकी जो है इनकम पर हार देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.00, इतने BTC आप 1 घंटे में कमाएंगे और 1 दिन में जो है आप इतने डॉलर जो है इतने USD आप लोग 1 दिन में कमाएंगे और इतने डॉलर जो है आप लोग 1 घंटे में कमा सकते हैं इससे। तो अगर आप लोग यहाँ पे कोई सी भी करेंसी जो है माइन करना चाह रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आप लोग को रिकमेंड करूँगा वो या तो डॉलर है या फिर BTC, क्योंकि दूसरी करेंसीज के बनस्बत जो है इनकी स्पीड जो है थोड़ी बहुत जो है दूसरी करेंसीज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने GHz किस तरह से इंक्रीज़ करनी है। GHz इंक्रीज़ होंगी तो उतनी ज़्यादा जो है आप लोगों की अर्निंग जल्दी होगी। जब आप लोग फर्स्ट टाइम साइनअप करेंगे तो आप लोगों को 30 GHz मिलेंगी। उसके अलावा अगर आप लोगों के GHz बढ़ाने चाहते तो आप लोगों ने कोई वो करेंसी जो है आप लोगों ने माइन करनी है जिसकी माइनिंग जो है तेज़ हो। मिसाल के तौर पर या तो आपने माइनिंग करनी है डोजी कॉइन, या फिर आप लोगों ने जो माइनिंग करनी है वो करनी है आपने BITB जो इनकी करेंसी है। मैं यहाँ पे जो है अपना BITB जो इनकी करेंसी है उसको माइन कर रहा हूँ, तो इसके ज़रिए जो है मैं अपने GHz बढ़ा रहा हूँ, ताकि क्योंकि इसकी जो है माइनिंग स्पीड काफ़ी तेज़ है।
अब बात कर लेते हैं कि साइड में आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं किस चीज़ की कैबिनेट, तो हमारा ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड है। उसके अलावा यहाँ पे डिपॉजिट का हमें एक बटन देखने को मिलता है, डिपॉजिट पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हम हमारे पास जो है हमारी तमाम करेंसी के वॉलेट्स हमारे पास यहाँ पे शो हो जाते हैं। जैसे BTC का वॉलेट है, इसका मतलब डिपॉजिट का मतलब ये, अगर आप लोग किसी और वेबसाइट से या कहीं और से आप लोग इस वेबसाइट पर अपने BTC, USD, लाइटकॉइन या डोजीकॉइन, मतलब कि दूसरी भी करेंसी आप लोग जो है इस वेबसाइट में डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है ये वाला एड्रेस कॉपी करके आप लोगों ने उस वेबसाइट में या उससे अपने वॉलेट में डालना है, कॉइन बेस, ब्लॉकचेन, जो भी वॉलेट, तो उसकी जितनी भी करेंसी होगी, जितने भी मतलब के BTC आप लोगों ने, जो भी करेंसी आप लोगों ने जो है अर्न करी है, वो इस वेबसाइट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं विड्रॉ की, विड्रॉ आप लोगों को जो है कब मिलना है और कितने उस पर मिलना है, तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं BTC का अगर हम विड्रॉ लेना चाहते हैं तो भी मेरे पास BTC अर्न है। यहाँ पे लिखा है योर बैलेंस 0.00001087 BTC। अगर आप लोग BTC का विड्रॉ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मिनिमम BTC का विड्रॉ है 0.001 BTC। उसके अलावा लाइट कॉइन का भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 0.15। और अगर आप लोग डॉलर में विड्रॉ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है कम से कम जो जब आप लोग पास 3.5 जो है ना डॉलर अर्न कर लेंगे आप लोग, तब जो आप लोग इससे विड्रॉ ले सकेंगे। उसके अलावा जो है आप लोगों को विड्रॉ लेने के लिए, तो आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पे वॉलेट आप लोगों ने बिटकॉइन, अगर BTC में आप लोग को विड्रॉ लेना है तो आप लोगों को वॉलेट डालना है BTC का, और अगर लाइट कॉइन में, लाइट कॉइन का डालना है डोजी का डोजी में, और डॉलर का है तो डॉलर में। कॉइन बेस से अपना BTC से अगर आप लोग वॉलेट BTC से अगर आप लोग विड्रॉ लेना चाहते हैं तो आप लोग अपने कॉइन बेस में, ब्लॉक चेन में किसी में भी ले सकते हैं, डॉलर में लेना चाहते हैं तो अपने परफेक्ट मनी के अकाउंट में ले सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्सचेंज की, एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज से ही असल में जो हमारी गीगा हैशेस बढ़ेंगी। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं नीचे करके आप लोगों को दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पर जो है इतने इतने जो है मैंने अपने अर्न करे थे अपने BITB, और उनको जो है मैंने गीगा हैशेस में एक्सचेंज करा है। अगर आप लोग भी एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप लोगों ने करना ही, आपने स्पेसिफाई द करेंसी पे क्लिक करना है, और आप लोगों ने जो भी अपनी करेंसी जो आप लोग गीगा हैशेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे जो है अपने बिटबीन जो मेरी जो वहाँ पे करेंसी जो अर्न हो रही है, यानी कि BITB, उसको जो है मैं अपने गीगा हैशेस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे वो करेंसी सिलेक्ट करी। ठीक है। इसके आगे लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेंसी, यहाँ पे मैं क्लाउड माइन GHS मतलब कि क्लाउड माइन गीगा हैशेस को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जितने भी मैंने अपने कॉइन जो है उनको गीगा हैशेस में कन्वर्ट करना है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, तो मेरे यहाँ पे है 11.38028304304, इतने जो है मैंने यहाँ पर अभी BITB अर्न करें, तो मैं इनको चाहता हूँ कि ये जो है मेरा गीगा हैशेस में कन्वर्ट हो जाए। मैं यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे मैं एक्सचेंज पे क्लिक कर दूँ, तो जैसे ही मैं एक्सचेंज पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे पास ऊपर लिखा आ चुका है द एक्सचेंज वाज सक्सेसफुल प्लीज रिफ्रेश दिस पेज। तो जैसे ही मैं पेज अपना रिफ्रेश करूँगा तो ये जो मेरे ऑटोमेटिक गीगा हैशेस में ऐड हो जाएंगे। गीगा हैशेस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हमारे पास जो शो हो रही है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 31 पॉइंट कुछ मेरी जो है 733 इतनी गीगा हैशेस अभी जो मैंने अर्न करी। उसके बाद यहाँ पे पार्टनर में देखने को मिलता है, पार्टनर में जो हमारे पास हमारा रेफरल लिंक आ जाता है, उसके अलावा हिस्ट्री पेमेंट वगैरह जा रही थी हमारे पास, हम जो विड्रॉ लेते हैं वो यहाँ पे हमारा शो होगा, बाकी ये जो है हमारा काम करनी है। अगर आप लोग किसी वेबसाइट पे ऐड वगैरह अपने लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं, इसके जरिए भी जो आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका रेफरल लिंक मौजूद है। तो इस तरह से जो है आप लोग अपने रेफरल बढ़ाकर भी जो इसमें जो है अर्निंग बढ़ा सकते हैं अपनी, गीगा हैशेस से आप ज़्यादा से ज़्यादा माइन करने की कोशिश करें ताकि आप लोग की अर्निंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट हो। तो मेरा तो ये कहना है कि क्लाउड माइनिंग की जितनी भी वेबसाइट्स आप लोग लाजमी से उनको ज्वाइन करा करें। मैंने पिछली वीडियो में भी अपनी यही आइडिया दिया था आप लोगों के, अपनी क्लाउड माइनिंग की वेबसाइट जितनी भी उनको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।